नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को लेकर रविवार को पटना के वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क में राजकीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री एवं गणमान्य लोगों ने शामिल होकर बाबू वीर कुंवर सिंह की आदमकद अश्वारोही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, भजन कीर्तन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सहकारी भूमि विकास बैंक समिति परिसर में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष शेख विधान पार्षद विजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को पगड़ी, अंग वस्त्र, फूलों की माला पहनाकर और तलवार के साथ प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। वहीं वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है और यहां आकर उन्हें काफ़ी खुशी होती है और बाबू वीर कुंवर सिंह का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की भागलपुर के जीरो माइल स्थित प्रतिमा के समक्ष रविवार को विजयोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा स्थल पर स्वतंत्रता सेनानी और महान योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का आयोजन बाबू वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद एवं शहर के कई सामाजिक संगठनों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया, जिसमें भागलपुर सांसद अजय मंडल भी शामिल हुए। इस दौरान सांसद अजय मंडल ने कहा कि बिहार की धरती महापुरुषों की धरती रही है और उसमें महान क्रांतिकारी योद्धा और वीर सपूत बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम अग्रणी है। उन्होंने कहा कि हम सभी को उनसे सीख लेनी चाहिए और अपने हक की लड़ाई में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भाजपा नेता अजित शाश्वत चौबे, डॉक्टर संजय सिंह, समाजसेवी कुणाल सिंह और सुमन सिंह के अलावे काफ़ी संख्या में शहर के कई समाजसेवी, शिक्षाविद, नेता और चिकित्सक मौजूद रहे। युवाओं को कहेंगे कि वीर कुंवर सिंह की जयंती पर वीर कुंवर सिंह से कुछ सीखें कि जिन्होंने देश के लिए 80 वर्ष में अपने आप को निछावर किया वो बहुत ही सराहनीय है। मैं वीर कुंवर सिंह को बार बार नमन करता हूं और देश के नौजवानों से यही कहूंगा कि उनके जीवन शैली को देखकर देश के लिए लड़े। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव वार्ड नंबर 11 में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल पहुँचाया और मामले की छानबीन में जुट गई। घायलों में एक पक्ष के मोहम्मद इसराइल के अलावा दूसरे पक्ष का जुनैद राविया खातून, मोहम्मद इशाद और राजा शामिल है, जिसमें से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मोहम्मद इसराइल को भागलपुर के माइगन अस्पताल रेफर कर दिया। जमीन के बारे में मर हुआ। किसका जमीन है? मेरे पापा का। क्या नाम है? मोहम्मद इसराइल। कितना जमीन है? आधा कटा अयप्पा जिलवाना है। तो क्या हो रहा था? जमीन हुआ। तो उस जमीन पे क्या हो रहा था? ये जमीन गया घर बना रहा था, पापा गया कहने के लिए तो मारपीट लगा दिया, डंटा से रेफर से मारा। कौन मारा? मोहम्मद इरशाद मारा और गोली से हटाने लगा। और कौन? और मोहम्मद इरशाद और रबिया पेरवा और जुनेद और राजा, ये सब मारा है। ऐसे मारा है, पापा को मारा, बेहोश हो गया, यहाँ नहीं होश हुआ तो रेफर कर दिया। SC ST कर्मचारी संघ भागलपुर जिला इकाई की ओर से रविवार को बरारी अम्बेडकर भवन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह आयोजित की गई। समारोह का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, SSP आनंद कुमार, आयकर उपायुक्त शशि रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार और खगड़िया के वरीय कोषागार पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने किया। वहीं उद्घाटन सत्र के बाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भागलपुर SC ST कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने की। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत इस्माइलपुर प्रखंड को ODF प्लस मॉडल कैटेगरी में राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में भागलपुर ने ODF प्लस में गौरवान्वित करने वाली सफलता अर्जित की है। इसको लेकर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में बेहतर कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा
भागलपुर को यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। दरअसल ODA प्लस मॉडल के तहत गांव के सभी घरों में कचरे के प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा गांव के प्रत्येक घरों में शौचालय की सुविधा मुहैया करना होता है, जिसमें इस्माइलपुर प्रखंड के सभी गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत घरों से प्राप्त कचरे का उठाव एवं निस्तारण अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई में किया जा रहा है, जबकि यहां 105 सोख्ता गड्ढा, 11 आउटलेट चैम्बर और एक जंक्शन चैम्बर का निर्माण कराया गया है, जिससे गांव से निकलने वाले सभी कचरे का निस्तारण हो सके। वहीं भागलपुर जिलाधिकारी ने कहा कि इस्माइलपुर प्रखंड के सभी गाँव में शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और यहाँ के ग्रामीणों ने शौच के लिए बाहर जाना बंद कर दिया है। DM का कहना है कि इसके अलावा कचरा प्रबंधन के बेहतर इंतजाम किए गए हैं, जबकि उनकी पूरी कोशिश है कि जिले के सभी प्रखंड स्वच्छ हो, जिससे पूरे भागलपुर जिले का सम्मान देश भर में बढ़ सके। देखिए, ये हम लोग ODF प्लस और जो स्वच्छ गांव का कॉन्सेप्ट है, जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है, उसके अंतर्गत सभी पंचायतों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो प्लांट बनना है, उसमें ट्रीटमेंट होना है वेस्ट का, उसके लिए कर्मी रखे गए हैं, डोर टू डोर कचरा का सिलेक्शन होगा। तो इस्माइलपुर हमारा पहला प्रखंड बन गया है जहां सभी पंचायतों में ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा दी गई हैं और इसको हम लोगों ने वेरीफाई भी कराया है। SDO नवछिया खुद गए थे, मैंने पंचायतों का भ्रमण किया है, प्रतिवेदन भी भेजा है और उसके आधार पर राज्य स्तर पर संभवतः यह पहला प्रखंड है जो पूरा प्रखंड जो है वो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जो यूनिट है उससे कवर्ड है और जो स्वच्छ गाँव का कॉन्सेप्ट है उससे जो है ये आच्छादित है। और हम लोगों का प्रयास है कि अन्य पंचायतों में भी हम लोग जो है इन चीज़ों को, इस पूरे स्कीम को बढ़िया से इम्प्लीमेंट कराएं और लोगों से भी अपील होगी कि कचरा को जैसे वो किसी खुले स्थान पर फेंक देते हैं या मतलब उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको प्रॉपर जो है SLWM की जो जहाँ भी यूनिट बन रही है उसका जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए और इस कार्य में सहयोग करना। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए Silk TV। मेरा नाम नूर आलम हुआ, गोपालगंज से हैं। हमको शुगर लमसम 3 साल से था। 3 साल पहले मालूम चला तो हमने आयुर्वेद का दवा खा रहे थे, पर कभी उसमें कम हो जा रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था। YouTube के माध्यम से डॉक्टर साहब का मालूम चला, हम यहाँ आए, आकर दिखाए हैं, लमसम लगातार 5-4 महीने के आसपास दवा खाए हैं। अभी 2 महीने से दवा हम नहीं खा रहे हैं, फिर भी मेरा 139 है सब कुछ खाने के बाद। शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ आने के बाद अच्छा लगा। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है, एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है, एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर।
जनसंख्या के हिसाब से भारत ने दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इतनी तेजी से देश की जनसंख्या का बढ़ना भारत के लिए खतरे का संकेत है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत की आबादी 142 करोड़ को पार कर चुके हैं, जिसके बाद चीन जनसंख्या के लिहाज से अब दूसरे नंबर पर है। वहीं इसको लेकर UNFPA के स्टैटिक्स चीफ रसेल का कहना है कि आने वाले कई सालों तक भारत में युवा की तादाद सबसे अधिक रहने वाली है और यह सरकार पर निर्भर करता है कि इस युवा शक्ति का उपयोग देश में किस तरह से किया जाता है। इधर भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता से भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब केंद्र की सत्ता में कांग्रेस थी तब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नारा था हम दो हमारे दो, लेकिन वर्तमान में सत्ता पर काबिज भाजपा की सरकार में नरेंद्र मोदी ने उस स्लोगन को ही चेंज कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम दो हमारे 13 की इस नीति से देश में जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है जो भारत के लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। अजीत शर्मा ने कहा कि वे इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा विधायक ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जनसंख्या विस्फोट से भारत में बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए अभी जो केंद्र में सरकार है ना वो इस पर ध्यान नहीं दे रही। आपको याद होगा जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी हम दो हमारे दो हर जगह लिखा रहता था और जनता जी के बीच जागरूकता पैदा की जाती थी। अभी ये क्या है भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम दो हमारे 13 चल रहा है, यह तो विश्व गुरु बनाने की भारत को कल्पना करता है ये तो बना नहीं पाए, लेकिन जनसंख्या में जरूर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या हो गया। इसलिए इसके सबसे बड़ा दोषी है आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जनसंख्या कानून की बात हो रही है क्या कहेंगे इसको? भाई केंद्र सरकार से बात करिए ना, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आपको तो हम दो हमारे दो परिवार से खुशहाल रहता वो चलाना चाहिए, हम दो हमारे 13 क्यों चला रहे हैं? भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर अक्षय तृतीया को लेकर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर खासकर नवविवाहिता अपने पति की लंबी आयु एवं संतान प्राप्ति को लेकर यह पर्व करती है, जबकि जीवन में सुख शांति के लिए महिलाएँ यह पर्व करती है। वहीं अजगैवीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा में बिहार झारखंड के शिव भक्तों ने डुबकी लगाकर बाबा अजगैवीनाथ और माता पार्वती समेत सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना, साथ ही इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने पूजन कर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराया। इधर देवघर से अजगैवीनाथ पहुंची महिला शिव भक्त ने कहा कि अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए अक्षय तृतीया पर्व करते हैं और संतान प्राप्ति होने पर वो अपने पति एवं परिवार के साथ अक्षय तृतीया पर्व के दिन मुंडन कराने अजगैवीनाथ धाम पहुंचे हैं, जबकि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की परंपरा है जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। व्रत भी रखा जाता है इसमें और एक ये होता है कि इसमें सोना चांदी लेना चाहिए। जितना भी क्लेश है घर का रोग व्याध सब समाप्त होता है और घर में वृद्धि होता है, संतान की प्राप्ति होती है, धन वंश में वृद्धि होती है। पति जो है अपने पत्नी के लिए कुछ गहना जेवर आज दान करने का दिन है, उससे पत्नी का सुहाग बढ़ता है। सक्षम फाउंडेशन की ओर से रविवार को भागलपुर लाजपत पार्क में संस्था के सदस्यों ने पौधे को बचाने के लिए उसकी निकाई गुड़ाई की और पौधे में पानी देकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान पौधे और पर्यावरण की रक्षा को लेकर सक्षम फाउंडेशन के सदस्य घर से खुरपी और डब्बे में पानी लेकर पहुंचे, जहां इस तपती धूप से पौधे को बचाने के लिए गुड़ाई कर सभी पौधे में पानी दिया गया। वहीं इसको लेकर संस्था की अध्यक्षा संगीता तिवारी ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह के रविवार की सुबह यह कार्यक्रम चलाया जाता है से आम लोग भी इस मुहिम से जुड़े और पर्यावरण की रक्षा हो सके। मौके पर सक्षम फाउंडेशन के उपाध्यक्ष नीरज तिवारी, उपाध्यक्ष संगीता सिन्हा, मुख्य संयोजक पिंकी बागोरिया, सुबोध पांडे, गुंजन प्रियदर्शी समेत काफी संख्या में संस्था के सदस्य मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।